नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। ईडी के ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी के विदेशी धरती से मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना से खासा दिक्कत हो रही है। जबकि पीएम मोदी सदन से लेकर सभा तक में कहते रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं और जनता उनको वोट। ऐसे में तो मोदी सरकार की आलोचना मुनाफे का सौदा हुआ। आखिर फिर अनुराग ठाकुर सरीखे नेताओं को राहुल गांधी के बयान से क्या दिक्कत महसूस हो रही है, आइए इसी मुद्दे की पड़ताल करते हैं। देश की बदनामी कब होती है? क्या तब जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी से ठीक उल्टी शैली में मौजूदा वक्त की खामियों को उजागर करते हुए मौजूदा दौर में देश के लोकतंत्र की दुर्गति पर भाषण देते हैं, या तब होती है जब पीएम मोदी देश को बीते 9 सालों में दर्जनों नूरानी सपने दिखाते तो हैं लेकिन उन्हें जमीन पर नहीं उतार पाते। भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया दी कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर देश को बदनाम करने का काम किया है। इसी तरह से भाजपा की तरफ से कई नेताओं ने भी बयान दिया है जिनके मुताबिक राहुल गांधी के भाषण ने आबाद भारत को बर्बाद भारत बताया है। आइए इसी मामले की जांच पड़ताल दुनिया भर के तमाम वैश्विक मानकों के आंकड़ों के साथ देखते हैं कि क्या पीएम मोदी के दौर में भारत का हाल कैसा है। भारत आबाद होने के रास्ते पर चल रहा है या बर्बाद होने के? भारत की असली बदनामी का कारण मोदी सरकार का कामकाज है या राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में दिया गया भाषण? साल 2022 में प्रकाशित ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत साल 2021 में दुनिया के 180 देशों के बीच 150वें पायदान पर था, जबकि साल 2016 में भारत की रैंकिंग 133वीं थी। साल 2020 में भारत 142वें पायदान पर था। तब इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि पत्रकारिता की दुनिया में भारत बैड यानी खराब कैटेगरी वाले देशों में आता है। पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। सरकार अपना नैरेटिव गढ़ने के लिए मीडिया संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। मीडिया पर एक खास वर्ग का मालिकाना हक बढ़ता चला जा रहा है। भारत की बदनामी किसकी वजह से हो रही है, ज्यादा दूर नहीं, बस राहुल गांधी के भाषण पर ही मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम टीवी चैनलों के प्रोग्राम की हेडिंग देखिए। भारत महान, राहुल करे बदनाम, दुनिया बोले भारत आबाद, राहुल क्यों बोले भारत बर्बाद, विदेश में देश का अपमान क्यों, इस तरह की खबर या हेडिंग क्या भारत की आबादी की कहानी को बताती है या बर्बादी की कहानी को? भुखमरी पर पेश होने वाले ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत दुनिया के 121 देशों के बीच 107वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट में श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल भी भारत से आगे हैं। 2 साल से भारत सरकार इस रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर रही है कि भुखमरी के मापने का तरीका ठीक नहीं है। भुखमरी की रिपोर्ट में इतने पीछे होने का मतलब यह है कि समुचित मात्रा में खाना देने, ऊंचाई के मुताबिक वजन होने, उम्र के मुताबिक ऊंचाई होने और 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु की संख्या के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के तकरीबन 106 मुल्कों से बदतर है। ये हालात तब हैं जब भारत में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार 2 वक्त का मुफ्त खाना देती है। इस योजना के बाद भी भुखमरी के मामले में भारत की इतनी बड़ी बदहाली बताती है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी के जीवन यापन को ठीक करने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। दुनिया भर की औरतों के हालात पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पेश की जाती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक हैसियत, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और संघर्ष को पैमाना बनाकर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत दुनिया के 140 देशों के बीच 135वें पायदान पर है। ऐसे ही स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तकरीबन 10 बुनियादी पैमानों को आधार बनाकर ग्लोबल मल्टी लेवल पावर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। मल्टी लेवल पावर्टी के अंतर्गत भारत की तकरीबन 22 करोड़ लोग आते हैं। यह संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। बात अगर देश के सामाजिक सौहार्द की करें तो सांप्रदायिक तनाव के मामले में प्यू रिसर्च के मुताबिक इंडिया सोशल है हॉस्टिलिटी इंडेक्स में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 10 में से 9.4 पर है। भारत सामुदायिक शत्रुता के मामले में बांग्लादेश, इजिप्ट, पाकिस्तान, नाइजीरिया के साथ वेरी हाई कैटेगरी वाले देश में शामिल है। जिन सवालों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है उन सवालों में पूछा जाता है कि क्या धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, क्या धार्मिक आधार पर कट्टरता को सहन करना पड़ता है। इन सारे सवालों पर मिले जवाब के आधारों पर भारत दुनिया के सबसे ज्यादा कट्टर मुल्कों में शामिल है। ऐसे ही ज्यादा नुकसानदायक बयान राहुल गांधी का भाषण है या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का
गोली मारो जैसा बयान। पीएम मोदी के भाषणों में स्मार्ट सिटी का नाम आपने खूब सुना होगा। साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल में भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। साल 2015 के बाद 5 साल यानी साल 2020 बीत चुका है। नरेंद्र मोदी ने अब इसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया। साल 2019 से ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडिया की गणना शुरू की गई। इसमें भारत की तरफ से बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया गया। बेंगलोर तब 69वें पायदान पर था, अब 93वें पर आ गया है। मुंबई 78वें स्थान पर था, जो अब 90वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली 68 से 89 के स्थान पर चला गया और हैदराबाद 67 से 92 पर। तमाम देशों की सरकारों के जरिए दुनिया में जितनी बार इंटरनेट बंद किया गया, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा मोदी सरकार के इंटरनेट बंद करने के आदेश से जुड़ा है। या उस देश का हाल है जहां के नेता खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलवाने के लिए बेताब रहते हैं। कानून के शासन की हालत देखिए। भारत में इसके अनगिनत उदाहरण हैं, जो यह बताते हैं कि जांच एजेंसियां तहकीकात के नाम पर वही कर रही हैं जो सरकार उनसे करने को कहती है। पेंगासस का मामला देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि पेंगासस का इस्तेमाल करके उनकी भी जासूसी की जा रही है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी के दिल और दिमाग में पेंगासस बस चुका है, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंगासस मामले पर कहा था कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। यह बात क्या बताती है? क्या ऐसी सरकार का कामकाज देश के बदनामी का कारण बन सकता है? भारत के आर्थिक जगत का हाल भी बदतर होता जा रहा है। कई जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां चंद पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जिन्होंने नाजायज सरकारी मदद हासिल कर अकूत अथाह कमाई की है। नहीं तो आर्थिक जगत का हाल ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 131वें पायदान पर पहुंच गया है। यानी आर्थिक जगत को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हाल पूरी तरह से बेहाल है। पर्यावरण से जुड़े ग्लोबल रिपोर्ट में तो हद ही पार हो गई है। 40 मापदंडों पर बनने वाले इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देश में आखिरी पायदान पर है। अगर तमाम ग्लोबल पैमानों पर भारत पीछे खड़ा है, तो खुशी के पैमाने पर आगे कैसे खड़ा हो सकता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139 देशों के बीच में 136वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया की बात करें तो वो केवल तालिबान शासित अफगानिस्तान से ही पीछे है। दुनिया की यह तमाम रिपोर्ट यही बताती है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कहा, उन बातों की पुष्टि स्थापित तथ्य और दुनिया की रिसर्च रिपोर्ट भी करती हैं। पूरी दुनिया उन खामियों के बारे में जानती है जिनका जिक्र राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में दिए अपने भाषण में दिया। अगर मोदी सरकार झूठ का डंका बजाकर सच को छिपाना चाहती हो, तो क्या देश का भला कर रही है? अगर सच बोलने पर देश पर हमला होने जैसे आरोप लगे, तो इसे देश को आबाद करने का तरीका कहा जाएगा या बर्बाद करने का। धन्यवाद।